কিতা লাগবে? Yeah.
चला चला भाई चला चला वन रक्षा।
पहचानो, इसकी खूबी को पहचानो। Thank you.
की उम्र में गौरा देवी विधवा हो गई। गौरा संभाल खुद को।
तुझे खुद को ही नहीं अपने बच्चे को भी संभालना है। तुझे अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए जीना होगा। चल गौरा चल। और वाकई में गौरा देवी ने न केवल खुद को अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की, पूरे गांव को संभाला। आज मैंने तुम सबको यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। ये जंगल हमारे देवता है, हम इन्हीं के बलबूते पर जीवित है। यदि ये जंगल नहीं रहे तो क्या होगा? क्या होगा घर में पता है कुछ? बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा, भूस्खलन होगा। यदि ये जंगल नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, समझे तुम सबके साथ? हमें मिलकर अपने जंगलों की रक्षा करनी है। क्या करनी है? रक्षा करनी है सबके साथ। तो चलो फिर चलो अपने घर। 24 मार्च 1976 का दिन, ये वो दिन था जब ठेकेदार ने मजदूरों को रहने के जंगल काटने के लिए भेजा। उस दिन गांव के सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए। काकी, 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 कुछ लोग तिलाड़ी लेके जंगल की तरफ जा रहे हैं। शायद वो जंगल काटने वाले हैं। ओ मूसा, तिलाड़ी, खसा। हाँ, आज हमारी परीक्षा का दिन है। गांव के सभी मर्द शहर गए हुए हैं। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी है। चलो 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 चलो। अरे ठेकेदार, अरे ठेकेदार जी, आज तो ये सारा का सारा जंगल में जड़ से ही उखाड़ दूंगा। आप लोग यहाँ से चले जाओ। अरे चले जाएंगे, पहले अपना काम तो कर ले। अरे कहीं और तन के मुंह लटका भाई, अपना काम कर। अरे काटो फटाफट काटो। रुक जाओ, याद रखो ये जंगल हमारा मायका है, ये पेड़ हमारे ऋषि हैं, हम इन्हीं के बलबूते पर जीवित हैं। यदि ये जंगल नहीं रहे तो हमारे रही सही खेती और मकान दोनों नष्ट हो जाएंगे। ये पहाड़ तो जाएगा ही, मैदान भी नहीं बचेगा। भाईजी, अपने लिए ना सही कम से कम अपने बच्चों के लिए इन जंगलों को छोड़ दो। ए चलान क्या थे? और सुन लो भी सब लोगों, कोई बीच में आया ना तो एक एक को गोली से भून दूंगा, समझ लीजा। छाती पे गोली मारो और पीठ पर तुल्हाड़ी और काट लो हमारा मायका। हिम्मत है तो मारो हमें, मारो। ए चलान तू भी, ओ सुन लो, कोई भी लोग बीच में नहीं आएगा। जल्दी जल्दी आ चलाओ रे, जल्दी काटो। ए चलान, ए बहनों, एक भी पेड़ ना कटने पाए, ये जंगल ना जलने पाए। चिपको रे, सब पेड़ों से चिपक जाओ। वनों के है ये उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये है जीवन के आधार। ठेकेदार जी निकल लो भैया, भाग लो, भागो, भागो, भागो। औरतों का ये रौंदर रूप देखकर मजदूरों में खलबली मच गई। आज साक्षात ये औरतें चंडी का रूप ले चुकी। गौरा देवी ने न केवल अपने जंगलों को कटने से बचाया बल्कि चिपको, जो उस वक्त केवल एक नाम था, उसे एक आंदोलन, एक नया आयाम दिया। रैणी को दुनिया के सबसे चढ़ते गांव की श्रेणी में ला खड़ा किया। याद रखो, यदि ये जंगल बचेंगे तो हम रहेंगे, हम सब एक होंगे तो ये जंगल बचेंगे। ये जंगल हमारा रोजगार है, मायका है, जिंदगी है। चलो ये गौरा देवी की, गौरा देवी ने एक मनुष्य होकर, मुख्यतः एक महिला होकर अपने जंगलों की रक्षा की, क्योंकि वो जानती थी पेड़ हमारे देवता हैं। और सचमुच जो जीवन देता है वो देवता होता है। और सभी लोग जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो हमारी अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन से हमें जीवन मिलता है। पेड़ हमें न जाने क्या क्या देते हैं, औषधि, वस्त्र, किताबें और भी न जाने क्या क्या। तो क्यों ना हम इन पेड़ों की आवाज बन जाएं।
ये पेड़ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम इन पेड़ों के लिए आवाज उठा सकते हैं। जंगलों में आग लगती है तो हम ये देख कर चुप रहते हैं कि मैं नहीं वो करेगा, वो नहीं वो करेगा। आज मनुष्य अपना फर्ज भूल गया है। याद रखिए, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। सृष्टि का विनाश होना निश्चित है, तो इस ताने बाने को मत छेड़िए। पेड़ों का रिश्ता पानी से है और पानी का हम सबके जीवन से। कुदरत की भी हर नियमत का एक दूसरे के साथ एक बेहद अहम रिश्ता है। इस ताने बाने को मत छेड़िए। पेड़ों का रिश्ता पानी से है, पानी का रिश्ता खेतों से, खेतों का रिश्ता गोबर से है, पशु का रिश्ता चारे से, पशु का रिश्ता चारे से है, चारे का रिश्ता पानी से है। जिंदगी का ताना बाना समझो भाई, समझो भाई। अगर पेड़ कटेंगे, जंगल चलेंगे, नई पौध नहीं उगाई जाएगी, ना हवा मिलेगी ना पानी, फिर क्या होगा? और जितना भी बरसेगा पानी वो बहा ले जाएगा सब कुछ और बह जाएगा खुद भी, फिर क्या होगा? खाली बर्तन, बंजर खेत, टूटते पहाड़, रोजी रोटी को तरसते छोटे बड़े परिवार। यानी समस्या पानी की है, चारे की है, लकड़ी की है। यानी समस्या खेतों की है, घर की भी है, बाहर की। यानी समस्या रिश्तों की है, हम सब से है, हम सब की है। जिंदगी का ताना बाना समझो भाई, समझो भाई। जिंदगी का ताना बाना समझो भाई, समझो भाई। जी हाँ, जिंदगी के इस ताने बाने को समझिए। पेड़ों की आवाज बनकर पेड़ों को बचाइए। अगर आपके आसपास जंगलों में कहीं आग लग जाती है तो समूह बनाकर उसे बुझाने का प्रयास करें। और अगर आप अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे हैं या प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पास की जंगलात चौकी में सूचित करें, ताकि जल्दी से जल्दी पेड़ों की आग बुझाई जा सके। याद रखिए, अगर पेड़ धरती पर नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन नहीं मिलेगा। पेड़ हमारे देवता है, इनकी रक्षा कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
स्टार्ट करो। रैप करो। बेहतरीन। ये को मैडम भी है, हम चाहेंगे कि वो समापन की घोषणा करे। दो शब्द मम्मी पूरा कदम है बेटा। और यहां पे आईसीडीओ पार्क में जितने जो भी लोग आए हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहां पे देहरादून वन प्रभाग की डीएफओ मीनाक्षी जोशी हूँ। आईसीडीओ पार्क हमारे नियंत्रण में आता है, उसका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त ये जो मार्च अप्रैल मई जून का महीना जो है, हम लोगों के लिए बड़ा ही फायर की दृष्टि से बड़ा ही जो संवेदनशील रहता है। तो इस बीच हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों ने मैसेज पहुँचाया कि अपने जंगलों का बचाव कैसे करें, वहाँ पर आग ना लगे। क्योंकि आग छोटी छोटी चीज़ों से लग जाती है, किसी ने जल्दी जीरो फेंक दी, चलाया फेंक दिया, छोटी छोटी असावधानियों से लग जाती है। तो ये एक तरीका था कि एक मैसेज वहाँ पे आप लोग कम्युनिकेट करें। और मुझे लगता है कि आप बच्चे भी जितने आए हैं, कुछ ना कुछ जानवर तो देखे ही होंगे, इसके साथ साथ ये मैसेज भी घर में लेकर के जाएंगे कि क्यों बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने पेड़ पौधों को बचाएं। आप लोगों को स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जब हम नाटक देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो ज़्यादा हमारे दिमाग में रहती है बातें। तो एक माध्यम था। और अगर अगर हम लोगों को आप लोगों से अच्छा फीडबैक मिला, जो लोग मेरे ख्याल से लोग बार बार आते हैं, एक बार जो आता है मानसिक वो बार बार आता है। अब समय वैकेशन भी होने वाले हैं, बच्चे आएंगे, दोबारा आएंगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, ताकि आप लोग यहाँ आए, यहाँ पे अपना पिकनिक भी करें, सब कुछ करें, साथ साथ एक कुछ अपने साथ एक लेकर के बजाय कि आज हम मानसिक पार्क में ले जाएंगे बड़े भी और बच्चे भी। और ये जो इस बार मार्केट मर्चिंग की टीम को भी बड़ा चले।